हेलो, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम पाइथन का एक और मेथड कवर करेंगे जो है POW। POW मेथड क्या करता है, इसमें जो भी हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे ये उसके लिए हमारे को पावर कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, तो POW का मीनिंग है पावर। तो यहाँ पे मैंने कुछ सिनेरियोज नोट किए हुए हैं, ये हम एक एक करके देख लेते हैं। मेनली ये यही रिटर्न करेगा, जो भी वैल्यू होगी वो उसका पावर कैलकुलेट करके देगा। तो अगर आप इसका सिंटेक्स देखो, इस पे माउस को अगर मूव करोगे तो यहाँ पे आपको ये शो करेगा, पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो है पीस, दूसरा है एक्सपोनेंट और तीसरा है मॉड्यूलस। तो अकॉर्डिंगली ये आपका आउटपुट देता है। ठीक है, तो अभी हम दो से दो आर्ग्यूमेंट पास करें। नीचे एक सिनेरियो है भी है जहाँ पे हम तीन पास करेंगे, उसको देखेंगे। तो पहले सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, हमने वैल्यू प्रोवाइड करी 2 और 3। तो ये क्या करेगा, 2 टू द पावर 3 कैलकुलेट करेगा और जो भी आउटपुट आएगा वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो इस सिंटेक्स सिंपल है, आपको बस POW लिखना है और इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास करना है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए मैं रन करता हूँ प्रोग्राम, पाइथन सेशन 46.py। और जैसे ही आप यहाँ पे एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल गया। ओके, यहाँ पे सेशन 46.py। अगर मैं इसको एंटर हिट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आया पहला 8, जो करेक्ट है क्योंकि 2 टू द पावर 3 है वो 8 आता है। अब देखते हैं सेकेंड सिनेरियो। अगर आपको POW मेथड यूज़ नहीं करना है तो उसकी जगह आप ये एस्ट्रिक एस्ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो। इसका मीनिंग भी यही रहता है, ये एक्सपोनेंट की तरह कंसिडर करेगा और आउटपुट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 8। तो यहाँ भी आपको सेम ही आउटपुट मिल रहा है। तो या तो आप इस तरह से लिख सकते हो या फिर इस तरह से। थर्ड सिनेरियो देखते हैं। थर्ड सिनेरियो में हमने जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है उसमें वैल्यू रखी है -3। तो ये क्या करेगा, 2 टू द पावर -3 कैलकुलेट करेगा और जो भी आउटपुट आएगा उसका प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 0.125। फोर्थ सिनेरियो अगर देखें तो यहाँ पे हम डेसिमल वैल्यू भी पास करते हैं सेकेंड आर्ग्यूमेंट में। तो ये क्या करेगा, 2 टू द पावर 0.5 कैलकुलेट करेगा और ये कुछ वैल्यू जो आई वो उसने प्रिंट किया। तो हर सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, POW से पावर कैलकुलेट कर रहे हैं और उसका जो भी आउटपुट आ रहा है वो प्रिंट कर रहे हैं। ये हमारी कमेंट लाइन है। ठीक है, फिफ्थ सिनेरियो में हम तीन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। तो तीन का मीनिंग ये है कि ये क्या करेगा, 2 टू द पावर 3 कैलकुलेट करेगा, फिर जो भी आउटपुट आएगा उसको डिवाइड करेगा 5 से और फिर उसका मॉड्यूलस निकालेगा। तो आउटपुट हमारे को मिल रहा है 3। ठीक है, तो जब भी आपको कोई मॉड्यूलस की नीड है किसी नंबर से डिवाइड करवाने के बाद में पावर को, तो उस केस में आप ये POW तीन आर्ग्यूमेंट के साथ यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल फंक्शन आप तब यूज़ कर सकते हो जब भी आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको किसी नंबर का पावर कैलकुलेट करना है, तो उस केस में आप POW का यूज़ कर सकते हो। इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।